लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो कब चल रहे हैं हम दिल्ली? हम सोच रही हूँ एक बार हरिद्वार हुआ हूँ। हरिद्वार? तुम क्यों, तुम्हारे सेक्स इन द सिटी बंद हो गया क्या? तेरी मर्जी, या तो अब ले चल या बाद में मेरी अस्थियां ले जाना। मैं कोई हरिद्वार गिरिद्वार नहीं जाने वाला। तो मैंने कब कहा कि तुझे हरिद्वार आना है? मुझे भी तो तुझसे छुट्टी चाहिए। ए, माला है दिल्ली में, उसी के साथ रहूंगी और उसी के साथ चली जाऊंगी। 22 years, 22 सालों में एक दिन भी मैं इस रेस्टोरेंट से अलग नहीं रहा। तो गिनीज बुक में नाम लिखवा ले। ए, ये भी जाएगी तेरे साथ? क्या ये क्यों, इसका एक्स्ट्रा टिकट लगता है क्या? ससुर से मिलने जा रहा है, दामाद तो बन के जा, मैं काटू। इसे सब्जी समझ रखा है? Bare, Salem, Morg, Kapalau! This is okay. Now try this. Kori, Melagu, Uppu, very well. Say it very well. Kima Bare. Kima? Hey, Bare. Hey, that was perfect! Sale. Don't worry. You go and tell boss this. He'll be very happy Sale. With you. You know what? He'll make Sale. You his boss. Salai Mo. But Sale. Where is boss? Hello? कहाँ हो तुम? रात से ट्राई कर रही हूँ तुम्हारा नंबर। 35,000 फुट की ऊंचाई पर कोई सेलफोन काम नहीं करता अभी तक। क्यों, कहाँ जा रहे थे? कहाँ हो तुम अभी? तुम्हारा बाप कहाँ है? क्यों? तुम दिल्ली में हो? नहीं, सिर्फ मेरी किडनीज आई हैं, तुम्हारे बाप से मिलने के लिए तड़प रही हैं। घासपोस चुप रहो यार, कहाँ हो? शंग्रिला। What? Why can't you come up to the room? I thought you're gonna give me a hug. Okay. How are you? How's the weather? How's everybody else? चलो ऊपर चलते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें अपना टूथब्रश दिखाना है। Come on. चुप। फिट लग रहे हो। चलो ऊपर चलते हैं। इतने भूखे हो? चलो ना। And something's different. Hey, what happened? Oh ये? हाँ। आह इसके लिए वीजा नहीं मिला। ए बट इट वाज सो क्यूट यार। क्यूट? या। Watch this. Cool. Cool ना? चलो ऊपर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। क्यों, घर में कोई नहीं है? पापा हैं। पापा के सामने? जी जी, कम ऑन। चलो मूव, कम ऑन। अच्छी कार है। कार 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 जी। टैक्सी टैक्सी शब्द जितना सेक्सी उतना कार नहीं। Hey, sexy. बाप से मिलने जा रहा है, डर लग रहा है। नहीं, डर किस बात का, एक मिनट का काम है। एक मिनट का काम? कितने दिन में होगा ये बताओ? कितने डीवीडी देखे अब तक? 10 बजी है। Too slow. Okay, talk to you later. Bye. कैसी है सेक्सी? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम पापा से क्या कहने वाले हो? सिंपल बोल दूंगा। नहीं, क्या क्या बोल दोगे? यही कि हमारे शरीर के यौन केंद्र यानी सेक्स सेंटर हाइपोथैलेमस में है, जो कि यहाँ दिमाग में है। हाइपोथैलेमस हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, जज्बातों पे काबू रखता है। मर्दों में हाइपोथैलेमस जरा बड़ा होता है, इसलिए
ज्यादा दिनों तक अगर उसे यौन संबंध यानी सेक्स से दूर रखा जाए तो बेचारा हाइपोथैलेमस जो है वो अपने जज्बातों पे काबू नहीं रख पाता है, गुस्से में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाता है, इंसान मर जाता है। इसलिए मैं आपकी बेटी नीना से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा हाइपोथैलेमस जो है वो बेकाबू हो गया है। ये कहोगे? Two more required now. Rahul Dravid on strike. He's on 40. The partnership's worth 95. Papa? Short ball. Has he put it away? Yes, he has. Yeah! That's it. Yeah! And you have done it. Papa? Yeh, Buddhadev ji, London se. लंदन से आई आई लॉर्ड्स आई आई क्रिकेट का मक्का है आई आई लंदन कोल्ड वेदर स्विंगिंग बॉल तो आप भी बहुत क्रिकेट देखते होंगे नहीं आप भी रिटायर्ड है मेरी तरह सुनो भजन भोजन एंड भाजी भाजी हरभजन सिंह भाजी भाजी नहीं जी नहीं मैं एक शेफ हूँ लंदन में मेरा एक रेस्टोरेंट है दैट्स नाइस वेरी नाइस गांधी जी यू नो गांधी जी ने भी यही कहा है कि इंसान को आखिरी दम तक काम करते रहना चाहिए टिल इज लास्ट ब्रेथ ये अनफॉर्चुनेटली बुद्धा साहब ये मेरा तो शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो अब आप कैसे हैं बुद्धा साहब इस उम्र में तो शरीर सेकंड हैंड एम्बेसडर की तरह होता है कभी कार्बोरेटर में कचरा कभी सस्पेंशन में लफड़ा तो बार बार सर्विसिंग के लिए जाना पड़ता है हमारी उम्र में तो बीमारियों की लंबी लाइन लगी रहती यू नो इट एक बार इसकी शादी हो जाए ना बाद में अपनी बची खुची जिंदगी एकदम फ्री माइंड से गांधी बापू के आदर्शों पर चलने में लगा दूंगा मैच कौन सा चल रहा था बकवास वनडेज इतने वनडेज चलते रहते बुद्धा साहब की पता ही नहीं चलता कौन किसके साथ खेल रहा है रंग बिरंगी पजामे पहन के सर्कस बना दिया है क्रिकेट को ये वनडे मैचेस में असली क्रिकेट इस टेस्ट क्रिकेट फाइव ग्लोरियस डेज फाइव डेज दरअसल मैं नीना से अरे हाँ नीना बुद्धा साहब को अपनी अदरक वाली चाय पिला बोला है पापा बुद्धा साहब हमारी उम्र में अदरक वाली चाय पीनी चाहिए एवरी डे स्टमक मस्ट बी वहां दो स्टमक मस्ट बी सॉलिड लाइक राहुल द्राविड अ वॉल सॉलिड लीजिए ना चाय लीजिए सो द रियल क्रिकेट इज द टेस्ट क्रिकेट आपने देखा होगा 1961 इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया याद आया कॉलिन काउड्री रिची बेनो देखा था आपने मैंने नहीं देखा अरे हाँ हमारे जमाने में टीवी कहाँ था देखने के लिए मैं बीबीसी की रेडियो कमेंट्री की बात कर रहा हूँ Isn't it? John Arlott, Brian Johnston. That was the real commentary. Impeccable English, bright words. Hai na beta? Papa, 1961 mein... 61 mein to tu paida bhi nahi hui thi, sorry. 61 mein main bhi kuch 13-14 saal ka raha hunga. Aur aap? Ji, Papa, chai thandi ho rahi hai. Ab chai lijiye na, please. So, how is your wife and kids and everybody? सब लंदन में सब सेटल हो गए होंगे बच्चों के बच्चे भी हो गए होंगे नाम क्या रखा है पोते का जी मेरी शादी नहीं हुई अभी तक क्या गांधीवादी बाप है तेरा क्या से क्या बना दिया मुझे जब भी मुंह खोलता हूं उससे कुछ बोलने के लिए मुझे याद दिला देता है कि मैं उसकी उम्र का हूं कैसे आखिर कैसे कहूं मैं उसको क्या करूं मैं हूं उसकी उम्र का क्या कर सकता हूं नहीं हो तुम उनकी उम्र के मतलब ही इज जस्ट 58 58 या मुझसे 6 साल छोटा या और मैं उसकी बेटी नहीं मैं ये नहीं कर सकता अब तो मुझे भी शर्म आ रही है तुम ही बात करो ना उससे तेरा बाप है वो अच्छा इधर आओ क्या इधर आओ ना 58 इस पिलर के सामने खड़े हो जाओ हाँ खड़ा तो यहाँ अंदर
इधर आओ। कौन? अब अपने हाथ मिलाओ एक दूसरे से, ऐसे नहीं पलट जाओ। अब रिवर्स। ये अशोक का पिलर है जानते हो, कहते हैं कि यहाँ अगर खड़े होके अपने हाथ छू लोगे ना एक दूसरे से, तो मन में जो भी इच्छा है पूरी हो जाएगी। नॉनसेंस। ट्राई तो करो ना। ढूंढ ढूंढ के एक मई मिला था क्या तुझे? मुझसे ज्यादा जवान आदमी है, उनको पकड़ना था ना। सब लड़के हैं घासपूस, और लड़कों को आदमी बनने में वक्त लग जाता है, कभी कभी ज्यादा ही लग जाता है, 64 साल लग जाते हैं, क्या करूं? टच 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 ट्राई। मेरी तो यही इच्छा कि तू अपने बाप से बात कर। अब तुम्हारी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, तुम्ही को बात करना पड़ेगा मेरे पापा से। Tell your papa to go take a walk here. 6 बजे। Walk. कल कमाल कर दिया यार। अरे धोनी जैसा कोई नहीं। जयराम 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 आपने जयराम आपने सलीम दुरानी का मैच देखा है? He used to hit 6 on demand. Oh yes, Prince what Salim. A batsman. And that too left hand. On demand he used to hit. Yeah. What a batsman. Yes, yes. Buddha tha. Hello. Good morning. Good morning. Namaskar. Mr. Agarwal, Mr. Jain, Mr. Chopra, Buddha tha. पिछले 27 ईयर से एवरीडे मॉर्निंग 27 ईयर 16 जैन पिछले 27 ईयर से एवरीडे मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है विदाउट फेल। आपका भी होगा ऐसा लंदन में सीनियर सिटीजन क्लब? नहीं। आपके चश्मे का पावर कितना है? पावर? चश्मे का पावर? ये डिजाइनर क्या है कि ये चश्मे निकाल के सुबह सुबह नंगे पैर आप हरी घास पे चलिए, देखिए पावर कम हो जाएगा। लगता है उम्र के साथ साथ बुद्धा साहब भी अंधविश्वासी हो गए। नंगे पैर हरी घास पे दौड़े। ये देखिए सुबह सुबह जी भरकर हमने भी जिया जवानी, लेकिन उस जवानी का एक मतलब था, एक मकसद था, देश के लिए कुछ कर। ये ऐसा नहीं पहले बाप के पैसे से फास्ट फूड खाओ, फिर बाप के पैसे से नाइकी शूज खरीदो और दौड़ो, ये है फिटनेस, इंपोर्टेड फिटनेस। इंपोर्टेड। नीना को भी यहाँ का एक भी लड़का पसंद नहीं ना? मुझे तो लगता है कि लड़का इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो नीना के बारे में ये एक बात करनी थी, एक इंपोर्टेंट इंपोर्टेड दामाद। जमाना बदल रहा है, हमें जमाने के साथ साथ चलना होगा। हाँ साथ साथ ही चलते हैं, आइए चलिए आइए। एक जमाना था बुद्धा साहब की विदेशियों को भगाने के लिए इस देश के लाखों लोगों ने सत्याग्रह किया। हाँ। और आज ये जमाना है कि विदेश जाने के लिए लाखों लोग सुबह 5 बजे से बिना कुछ खाए पिए वीजा की क्यों में खड़े रहते हैं? बिल्कुल सही बात है। ये विदेशी क्रेज कब जाएगा और कैसे जाएगा? गांधी जी तक का रोल करने के लिए हमें इंपोर्टेड बैन किंग्स ली चाहिए। भाई हमारे पास नसीरुद्दीन शाह नहीं है क्या? जी मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है बुद्धा साहब कि मैं बापू को नहीं देख पाया। वो जनवरी में शहीद हुए और मैं फरवरी में पैदा हुआ। आपने तो जरूर देखा होगा। लकी यू लकी। गांधी जी को ही क्यों, गांधी जी के दादाजी को भी देखा हूं मैं तो। मेरे वर्सांची ग्लासेस, मेरे कूल वर्सांची ग्लासेस तेरे बाप को बुढ़ापे का चश्मा दिखाई देता है। अच्छा सच्ची बताओ, मुझे इंप्रेस करने के लिए ही उस दिन कॉमेडी थिएटर आते आते खरीदा था ना? नहीं। हाँ नहीं नहीं तब तो 100% हाँ। नहीं माँ होती तो एक दिन में बुड्ढे को ठीक कर देती तुम्हारे, यही वक्त मिला था हरिद्वार जाने का। माँ ये तुमने बताया नहीं? अरे ओए आजा मेरी गड्डी में बैठ जा। क्या लग रही है? तेरी जात का पैदा मारूं। ए क्या कहता उन्हें? चल देखे साले को। चल गो भाई चल, चला बुड्ढे को देखते। चल चल चल। ये लोग तो इधर आ रहे हैं यार। चलो निकल। नो वेट वेट चलो ना। नो वेट चलो ना। वेट वेट चलो ना।
जब तक मेरी आवाज है मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। जब तक तुम्हारी आवाज है तुम मेरे बाप से बात करोगे। आपके पूज पिताजी ने मेरा भेजा चाट चाट के दिमाग का दही बना दिया। चल दही पापड़ी चाट खाते हैं। चले या?